आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 23 अकाउंटिंग विद टैली यूजिंग द इन्वेंट्री। सर 23 में सीखेंगे स्टॉक की अकाउंटिंग। वॉल्यूम 1 और 2 में हमने जो भी एंट्री वगैरह किया या सीखा उसमें सर परचेज और सेल्स, परचेज सेल्स, परचेज सेल्स, इन क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या चीज बेच रहे हैं सर, ये सब चीजें हम लोग नहीं सीखा। स्टॉक कैसे मेंटेन होता है वो सब सारी चीजें हम लोग नहीं सीखा। तो अकाउंटिंग विद टैली यूजिंग द इन्वेंट्री मतलब हमें स्टॉक की अकाउंटिंग करनी, किसकी करनी है सर, अकाउंट के साथ साथ स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो सर उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो फीचर्स में जाना होगा। किस में जाना होगा सर, फीचर्स में जाना होगा। और जैसे ये कंपनी बनाया हमने एंड फीचर्स में दो ऑप्शंस को एक्टिवेट करने होंगे सर, तो कौन कौन से सर? ये तो ठीक है मेंटेन अकाउंट्स, क्या आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं? आंसर यस करना चाहते हैं सर। स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है सर जब हम लोग वॉल्यूम 1 वगैरह में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है सर? यस सर इन्वेंट्री। अच्छा इन्वेंट्री मतलब समझते हो ना आप स्टॉक, और स्टॉक मतलब वेरी गुड सर। आप लोग हमेशा ना हमारे उम्मीदों पे खरे उतरते हो, मतलब 100% उतना तो सोना भी खरा नहीं होगा जितना आप लोग एकदम खरे उतरते हो। परफेक्ट सर। इन्वेंट्री मतलब अनसोल्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको आपने बेचने के लिए तो खरीदा है लेकिन अभी तक बेच आप नहीं पाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अच्छा इसमें एक ऑप्शंस बहुत अच्छा दिया है सर, फीचर्स एक तो मेंटेन इन्वेंट्री हो गया, एक है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। क्या है? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसको कौन बताएगा? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, जो इसको बताएगा कल उसको केक मिलेगा मेरी तरफ से। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। नहीं एक लोग खड़े होके सीरियसली जिसको केक चाहिए खड़े होके एकदम अच्छे से बताइए। अरे दूसरे को केक लेके दूसरे को खिलाया भी तो आप लोग बस अपने बारे में सोचते हो। अरे सर बता के केक लेके दूसरे को खिलाओगे ना वो शांति जितना अच्छा मिले। हाँ हाँ खड़े हो जाइए, खड़े होकर सबको बताइए। यस बताओ हाँ। नहीं इस ऑप्शन को अगर यस करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा और नो करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ बताइए। हाँ बताओ, सही बता रहे हो आगे। ठीक है ठीक है। और नो करेंगे तो नहीं, नहीं मेंटेन तो यस करोगे तो भी मेंटेन होगा, नो करोगे तो भी मेंटेन होगा। आप स्टॉक की एंट्री करेंगे तो भी दिखेगा सर। आप मेंटेन इन्वेंटरी किए हो मतलब मेंटेन होगा सर। ये ऑप्शन यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा, ये मैं जानना था। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े बताओ। आप बताओ। अच्छा वेरी गुड, कोई एक लोग तो बताओ, कोई तो इज्जत बताओ। हाँ यस करेंगे तो ठीक है, नो करेंगे तो सारे लोग को मिलेगा केक, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग को केक मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल मनीष का बर्थडे सेलिब्रेट करने ऐसे ही केक देने वाले थे काम है सर। कल मैं सेलिब्रेट करूंगा तो कल केक तो सबको ही मिलना था। ठीक है बैठ जाइए। ये था कि सही आंसर बताते तो आपको थोड़ा सा साइज बड़ा मिलता, कोई बात नहीं सर। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री अगर आप यस करते हो तो जो भी आप स्टॉक मेंटेन करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दिखेगा। नो करेंगे तो सर मैनुअल जो आप पुट करते हो क्या करते हो, मैनुअली, जैसे वॉल्यूम 2 में आपने स्टॉक मैनुअली डाला था, कोई स्टॉक वगैरह मेंटेन नहीं किया था, उस वैल्यू को अगर शो करना है तो ये ऑप्शन क्या करना है, नो करना है। लेकिन एग्जैक्ट स्टॉक की वैल्यू शो करना है आपको क्या करना है, समझ गए बात को?
मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू कैसे डालते सर? वेरी गुड सर, स्टॉक का पहले लेजर बनाएंगे, फिर ऑल्टर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हम इस तरीके से स्टॉक बना रहे हैं वो अगर दिखाना है तो ये ऑप्शन नो होना चाहिए। और हम स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉक खरीदने की एंट्री, बेचने की एंट्री, और जो एग्जैक्ट स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं वो वैल्यू दिखाना है तो ये ऑप्शन यस रहे। यहाँ स्टॉक आइटम सर सिंपली गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक आइटम, ऑलरेडी आप लोग जानते हो स्टॉक आइटम बनाना है। और ये स्टॉक आइटम वगैरह तभी आप बना सकते हैं जब आप मेंटेन इन्वेंट्री फीचर से यस रहेगा। तो फिर स्टॉक का ग्रुप आप बना सकते हो, क्या बना, अरे थोड़ा बातें कम करिए प्लीज, हमारे स्टूडियो से स्टूडेंट नहीं सुन पा रहे हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएट सर, स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करना है सर, स्टॉक का ग्रुपिंग बना सकते नहीं बना सकते सर? सर स्टॉक की ग्रुपिंग कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं सर स्टॉक का, तो ग्रुप एंड क्रिएट बना सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो सर आप मास्टर्स पे जाके। यूनिट सर, यूनिट मतलब किस पे में, तो यूनिट बना सकते हैं सर जिसमें मेजरमेंट करते हैं। और यूनिट दो प्रकार का बनता है सर, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सर दो यूनिट का मिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। और एंट्री अब हम लोग किस में करेंगे सर? आइटम इनवाइस में आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट सर? इसमें भी दो चीजें हैं, एक कॉमन लेजर, सेलेक्ट द कॉमन लेजर अकाउंट यस, एंड सेलेक्ट द कॉमन लेजर अकाउंट को नो। तो सर यस होगा तो क्या होगा एंड नो होगा तो क्या होगा? सर अगर सेलेक्ट द कॉमन लेजर यस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा, ये कॉमन हो गया किसके लिए? यहाँ जितने भी स्टॉक आइटम आप लिखोगे सबके लिए, वो सब किसके अंदर में जा रहा है? परचेज अकाउंट के अंदर में जा रहा है। अगर आप नो करोगे तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हर आइटम के बाद पूछेगा इसको कौन से लेजर में डालना है, इसको कौन से लेजर में डालना है, मतलब अलग अलग स्टॉक आइटम को अलग अलग लेजर में अगर डालना है तो कॉमन लेजर को नो कर देना है। तो वहां कॉमन लेजर क्या था सर? यस yes था। यहाँ पे कॉमन लेजर क्या है? यस yes, सर एक बार आप यस yes बोल दिए तो दोबारा जो भी बोलोगे तो नो ही बोलोगे। गॉड सर यहाँ यस yes है, ठीक है। और उसके बाद सर स्टॉक समरी देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाके स्टॉक समरी देख सकते हैं। स्टॉक समरी जब भी देखेंगे तो बाई डिफॉल्ट टैली क्लोजिंग बैलेंस बताता है, क्या बताता है सर? लेकिन अगर अपने को ओपनिंग भी देखना है, इनवर्ड भी देखना है, आउटवर्ड देखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम ये ऑप्शन यस कर सकते हैं, जहां पे टैली हमको इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ हम प्रॉफिट देख सकते हैं क्या सर इसके साथ? यस सर। एफ सेवन करेंगे तो टैली हमें यहाँ पे देखो लिखा है एफ सेवन सो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी दिखाने लगेगा। सर कैसे दिखाएगा? जैसे आप सेल करोगे तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन एंड सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट का डिफरेंस परसेंटेज आपको दिखने लगेगा। यहाँ वही कॉमन लेजर की बात हो रही है सर, यहाँ बताओ कॉमन लेजर यस है या नो? यस है सर, परचेज अकाउंट दिख रहा है। और यहाँ पे यहाँ से परचेज लेजर का ऑप्शन क्या हो गया? गायब हो गया सर। कॉमन लेजर क्या हो गया यहाँ सर, राइट? अब देखो ये स्टॉक आइटम की बात क्या पूछ रहा है, हर स्टॉक आइटम की बात पूछेगा कि ये कौन से लेजर में फॉल करेगा, मतलब अलग अलग स्टॉक आइटम को अलग अलग लेजर में हम पुट कर सकते हैं सर। फिर आता है सर वाउचर टाइप्स, ये ऑलरेडी आपको बता चुका सर मैंने, टोटल कितने वाउचर्स बने होते हैं? 24। इनके अलावा अगर बनाना है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली क्रिएट पे जाके वाउचर टाइप। सर वाउचर नंबरिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, सर ये क्या होता है? सर बाय डिफॉल्ट टैली वाउचर नंबर क्या देता है? बाय डिफॉल्ट टैली वाउचर नंबर क्या देता है सर? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अपने को अगर इस तरीके से वाउचर नंबर चाहिए सर, किस तरीके से? हाँ हाँ वेरी गुड, कौन बोल रहा था? नारायण नारायण, ठीक है सर। सर हम लोग क्या करेंगे, नारायण बताओ क्या करेंगे बेटा? सर जब हम लोग वाउचर्स क्रिएट करते हैं ना, वहां पे एक ऑफ यस सर, वाउचर नंबरिंग में पूछता है ना, वहाँ ऑटोमेटिक वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, और उसी के जस्ट नीचे पूछता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर वाउचर नंबरिंग, आगे देखने को मिलेगा अपने को।
ये रहा मिशन, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो ये ऑप्शन दिखता है सर, जहाँ पे प्रीफिक्स, सब प्रीफिक्स का डिटेल, सफिक्स का डिटेल, यहाँ वाउचर नंबर, उसका विड्थ क्या रहेगा, ये सारी चीज डाल के हम वाउचर्स का नंबरिंग यूज कर सकते हैं। सर वाउचर क्लास क्या होता है? सर वाउचर क्लास यहाँ से बनाते हैं, इससे एंट्री क्या हो जाती है, ऑटोमेट हो जाती है। जैसे इस चैप्टर में हम लोग को हर एंट्री में पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो हमने यहाँ क्लास बनाया क्या, पीसी, दिस इज अ क्लास राइट, पीसी क्लास बनाया। यहाँ पे ये ऑप्शन आया सर, इंक्लूड एक्सक्लूड दिस ग्रुप एंड इंक्लूड दिस ग्रुप। एक्सक्लूड दिस ग्रुप मतलब सर कौन कौन सा ग्रुप आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, जैसे पेटी कैशियर को हम चाहते हैं कि भाई बैंक अकाउंट उसको ना दिखे, वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री ना कर पाए, तो हम एक्सक्लूड दिस ग्रुप में क्या लिख देंगे, बैंक का ग्रुप लिख देंगे, तो वो उसको एंट्री करते उसमें बैंक का लेजर शो नहीं हो। इन फ्यूचर में लगता है यार अब बच्चा होशियार हो गया है बंदा, उसको दे देना चाहिए, तो हम यहाँ पे इंक्लूड दिस ग्रुप में फिर बैंक ग्रुप को कर देंगे सर, तो दिखने लगेगा। प्लस हमने यहाँ क्या बोला है सर, स्पेसिफिक लेजर फॉर विच दिस क्लास इज क्रिएटेड, यहाँ क्या डाल देना है सर, पेटी कैश अकाउंट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हर एंट्री में, ये तो मान लो रिसीट का है, अपन पेमेंट में बनाए हैं सर, तो हर पेमेंट में सर पेटी कैश अकाउंट ऑटो, ये काउंटर है पेमेंट में आते हैं सर, जब पेमेंट वाउचर करेंगे ना, तो पहले पेमेंट के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा, फिर वहाँ लिस्ट दिखेगा पेमेंट पेटी कैश, तो आप पेटी कैश वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लास का सेलेक्ट कर लीजिए पीसी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा सर, ये वाउचर नंबर आपका इस तरीके से दिखने लगेगा और ऑटोमेटिकली पेटी कैश अकाउंट सेलेक्टेड रहेगा, बस आपको क्या क्या चीज़ खर्च कर रहा है बस वही डिटेल आपको लिखना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी सर। तो वाउचर क्लास से सर एंट्री ऑटोमेट होता है। ये पेटी कैश रजिस्टर्स है, ये पेटी, अच्छा इसमें एक ऑप्शन मैं कोई सर्च कर रहा हूँ नहीं दिख रहा है, एक होता है एक्सट्रैक्ट द पेटी कैश वाउचर्स, क्या होता है सर एक्सट्रैक्ट, सर उसका मतलब क्या होता है, ये लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट ऑफ पेटी कैश सर, यहाँ पाथ दिया हुआ है, इस पाथ के थ्रू अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब जाते हैं एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब चेंज व्यू में जाके सर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमें एक रिपोर्ट दे देता है कि इस वाउचर में कौन कौन सा लेजर कितने अमाउंट से इन्वॉल्व है। जैसे ये क्या बता रहा है कि आप इस पेटी कैश वाउचर में पेटी कैश अकाउंट 410 रुपए का क्रेडिट किया है आपने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना खर्च कर दिया है 280 रुपए, टी एक्सपेंसेस अभी तक खर्च कर दिया है 100 रुपए एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आप इस तरीके से हाँ कवरेज नहीं, कैसे आप लोगों को ठंडी लगता है, हाँ तो चिल्लाते चिल्लाते हैं, हाँ अरे उधर वो बेडशीट वगैरह सब रखा है, गणेश पूजा का सब रखा है, ओढ़ सकते हो, अभी घर गया नहीं है, ओढ़ सकते हो जरूरत पड़ी तो। पेटी कैश रजिस्टर में सर हम लोग पेटी कैश का रजिस्टर्स देख सकते हैं सर, आओ ओके, यहाँ कॉलम नार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर F8, एक ऐसा सर शॉर्टकट की है जिसके यूज करके हम क्या देख सकते हैं अपने रिपोर्ट को, कॉलम नार देख सकते हैं लाइक दिस, यहाँ सारा कॉलम बन जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रेवलिंग टी एक्सपेंसेस, ये सारे कॉलम्स आपके बन जाएंगे सर। ये पेटी कैश का प्रिंट आउट लेना है, वाउचर्स ओपन करिए एंड कंट्रोल पी करके क्या करिए प्रिंट आउट, तो गणेश पूजा बोले सर आ रहे हैं, हाँ रास्ते में कौन दिख गया, और कोई पूजा दिख गया क्या, ये बोलता है नारायण सर हम लोग रेडी हैं बस आ रहे हैं पूजा में, मैं समझ गया कि कोई और पूजा दिख गई लग रहा नारायण को सर। नेक्स्ट चैप्टर इज बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, जाने वाले कौन रोक पाया है बताओ मैं किसे सर, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल सर, ये चैप्टर क्या बोलते हैं, वेरी गुड सर, किस इस सिस्टम को जनरेट करने से टैली में हमें ये पता चल जाता है कि एक तो लेजर देख के हमें टोटल पता चल जाता है किस बंदे से कितना लेना है, लेकिन किस बिल्स के अगेंस्ट में कितना लेना है, अगर ये टाइप का रिपोर्ट चाहिए तो हमारा बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का फीचर्स एक्टिवेट होना चाहिए सर। इसके लिए क्या करना है सर हमको, सिंपली F11 में मेंटेन बिल वाइज बिल का ऑप्शन क्या करना होगा, कहाँ पे यस मेंटेन इनेबल बिल वाइज एंट्री क्या करना है, यस
सर इसको यस करने से क्या होगा, अब सारे लेजर में एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइज। तो जिस जिस लेजर में हमें इस तरीके का रिपोर्ट चाहिए बिल वाइज बिल, उस ऑप्शन क्या कर देंगे यस। क्योंकि रिसीवेबल का लेजर है तो हम सन्डी डेटर्स में करेंगे। यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ है डिफॉल्ट क्रेडिट, क्या लिखा है सर डिफॉल्ट क्रेडिट, सर यहाँ हम कोई भी क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं सर 30 डेज डाल दिया तो 30 दिन तक उसको हर एंट्री में हर ट्रांजेक्शन में 30 दिन का उधार मिल जाएगा। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, ये ऑप्शन यस करेंगे। तो अगर कोई भी बिल जैसे एक बिल की एंट्री कर लिया, सेकेंड बिल सेम पार्टी से कर रहे हैं और पहले बिल का पेमेंट का ड्यू डेट ओवर हो चुका है, वहाँ एक मैसेज आएगा सर वार्निंग का कि फर्स्ट बिल ड्यू डेट एक्सीडेड। तो इस टाइप के वार्निंग करके आप अपने क्रेडिट को मतलब उधार को मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लेजर्स बने हैं सर, संडी डेटर्स वगैरह, जिस जिस पार्टी, जरूरी नहीं कि हम सारे पार्टी में मेंटेन बिल वाइज बिल करें। अच्छा, बहुत लोग को हमने देखा है कि परचेज सेल्स के लेजर में मेंटेन बिल वाइज बिल यस कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर ये स्टॉक नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि जैसे आप मेंटेन बिल वाइज बिल करोगे ना, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो केवल पार्टी के लेजर में करना है, किसमें करना है सर, पार्टी के लेजर, बस अब कुछ नहीं है सर। जैसे आप मेंटेन बिल वाइज बिल करोगे तो हर एंट्री मतलब जिस जिस पार्टी में आपने यस किया है उस पार्टी से रिलेटेड जब आप एंट्री करोगे तो उस एंट्री के टाइम सर चार ऑप्शन दिखेंगे। कितने ऑप्शन दिखेंगे सर, कौन कौन से, वेरी गुड, आगे न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस ऑन इट। सर न्यू रेफरेंस कब चूज करना है अपने को, सर नया ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कोई रिसीट या पेमेंट किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में हो रहा है, एडवांस मतलब सर अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ एडवांस लेन देन चल रहा है, ऑन अकाउंट मतलब ओवरऑल टोटल के बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या करना है ऑन अकाउंट। गलती के ब्रेक हुआ तो क्या गाने आप लोग के लिए लगा देना था, थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं आप लोग, राइट सर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड सर ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एजिंग एनालाइज करना, क्या करना, एजिंग एनालाइज करना। अच्छा, इसमें रिपोर्ट की भी बात आती है सर, यहां पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से ऑप्शन पूछता है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। और यहां पे फिर प्रिंटिंग लेजर अकाउंट कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर लेटर, इसमें तीन चीजें हैं सर। लेजर तो ऑलरेडी सर अकाउंट बुक्स में गए, लेजर्स पे गए और कंट्रोल पी मार के प्रिंट कर दिया। कंफर्मेशन अकाउंट कंफर्मेशन लेटर क्या होता है, अरे हम कहते हैं करवाते हैं कंफर्म सर, हम कंफर्म करिए सर कि हमारे बुक्स में इतना पैसा लेना बन रहा है तो आपके हिसाब से उतना बन रहा है कि, और फिर आता है सर रिमाइंडर लेटर, हम लोग लव लेटर प्यार से बोलते हैं सर, उनको भेजा जाता है बार बार कि प्रेम कब बरसाओगे, हे माधव प्रेम। राइट, उसको बार बार क्या भेजा पड़ता है सर, रिमाइंड लेटर। जब हम लोग के घर से पैसा आता था ना, हम जब दोस्त लोग रहते थे तो जब अकाउंट में आता था पैसा मंथ के खर्चों के लिए, तो जब आता था ना हम लोग तुरंत खुशी मारे आज घर से प्रेम आया है, मतलब ये सिस्टम बना था जिसके घर से प्रेम आएगा उस दिन, हाँ क्योंकि बहुत दिन से पेट को जलाए रहते थे, मतलब बाहर ना खा पीना खा पाना सब, बैचलर लाइफ में ये सब चीज, और जैसे ही अकाउंट में आ गया वैसे सिस्टम क्या था कि उस बंदे को क्या करना है, खर्च करना है। तो प्रेम सर के लिए रिमाइंडर लेटर भेजा जाता है, और ध्यान रखिए कंफर्मेशन के लिए कुछ नहीं करना है सर, लेजर में जाके कंट्रोल पी करना है और कॉन्फिगर पे जाके रिपोर्ट टाइप में क्या सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्मेशन है। लेकिन रिमाइंडर लेटर में एक चीज ध्यान रखना है सर, सर रिमाइंडर लेटर में ऐसे लेजर में जाके कंट्रोल पी करोगे तो रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन नहीं आएगा, कहाँ आएगा सर, पहले उसको बिल वाइज देखना पड़ेगा, क्या कौन सी स्क्रीन में करना है सर। सर बिल वाइज कैसे आता है, लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में गए F6 कर दीजिए, क्या कर दीजिए सर F6, तो बिल वाइज रिपोर्ट आ जाता है, वहां आपको कंट्रोल पी करना पड़ेगा। बिल वाइज रिपोर्ट में आप कंट्रोल पी करेंगे देन फिर आपको रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन, वहां फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड देन फिर आपको रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको अगर रिमाइंडर लेटर चाहिए तो ये बिल वाइज रिपोर्ट ऐसा दिखना, बिल वाइज रिपोर्ट, ठीक है।
अच्छा रिमाइंडर लेटर हो चाहे कंफर्मेशन लेटर हो सर, उसके स्टेटमेंट को हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमाइंडर लेटर को हम अपने हिसाब से चेंज। टैली ने बड़े ही सहूलियत मतलब बड़े ही अच्छे वर्ड्स में लिखा है कि भाई साहब हम आपको प्लीज हमारे पैसे को रिफंड, लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्ट लाइन लिखना है तो भी हम स्ट्रिक्ट। ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसीट सिंपल है सर, आपको पहले एडवांस मिला, एडवांस सेलेक्ट करके एंट्री कर लीजिए। जब आप सेल करते हैं जैसे इसमें है, अब उसको 4000 रुपये का एडवांस मिला था, क्या मिला था 4000 रुपये का एडवांस, तो आपने एडवांस में रिसीट में एंट्री कर लिया। फिर हमने 5000 का सेल किया तो 5000 को पूरा न्यू रेफरेंस में नहीं डाल दिया सर, पहले अगेंस्ट एडवांस 4000 अगेंस्ट किया, फिर 1000 को क्योंकि 4000 का रिसीट हो चुका है 1000 को न्यू रेफरेंस में डाला था। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसीट। सर ये व्हाट इज द बिल सेटलमेंट, क्या है बिल सेटलमेंट सर, जब आप बिल वाइज रिपोर्ट देखते हो तो वहां पे वर्टिकल बटन बार में आउटस्टैंडिंग साथ वर्टिकल बटन बार में क्या लिखा रहता है, ऑल्ट बी करके बिल सेटलमेंट। सर इससे बेनिफिट क्या होगा, सर इससे बेनिफिट ये होगा कि जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा ये टैली आपको कहाँ ट्यून कर देगा सर, रिसीट वाउचर में कर देगा, किसमें कर देगा विद अमाउंट। बस जब आप ऑल्ट बी करोगे ना तो आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि कैश में रिसीट हो रहा है कि बैंक, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। और जैसे कोई पार्टी आपसे पूछा कि भैया कितना पैसा चाहिए, आपने आउट बता दिया सारा चीज, यहाँ इतना चाहिए, बोलता ठीक है इसको लेके क्लियर करिए पैसे, तो आपको वहीं से ऑल्ट बी कर देंगे तो आप रिसीट वाउचर में आ जाएंगे, आपको बाहर निकल के फिर अमाउंट वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं। फिर आता है सर एक पार्टी वाइज बिल वाइज रिसीवेबल, ये मैनेजमेंट के लिए होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, एफेट प्रेस करिए, लेजर वाइज बिल वाइज मतलब जितने भी लेजर और उसका ये बिल वाइज, बिल नंबर डायमंड होटल बिल नंबर 1 के अगेंस्ट में 200 चाहिए, बिल नंबर 3 के अगेंस्ट में 2000 चाहिए, सिल्वर होटल बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में 2000, मतलब ये हर पार्टी का बिल वाइज रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर असाइनमेंट है सर ये आपके लिए, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल क्या है सर, रिसीवेबल का जस्ट रिवर्स है सर, वहां डेटर के केस में करते हैं और यहाँ क्रेडिटर्स के केस में। अभी न जाने कैसा मौसम चल रहा है कि अभी बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, है ना, अभी बहुत ज्यादा जिसको देखो वही बीमार। नेक्स्ट सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली, सर टैली प्राइम में एक सिस्टम है जिससे आप इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, मतलब टैली क्या करता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है। सर इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सिंपल फीचर्स में ऑप्शंस में जाके क्या कर लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन कर देना है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जो ध्यान देने वाली बात क्या है सर, कि आपको इंटरेस्ट जो एक्टिवेट करना है, मतलब ये करेंगे तो हर लेजर में एक ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेकिन आपको सारे लेजर में नहीं करने हैं सर, कौन से लेजर में करने हैं, वेरी गुड सर, लोन के लेजर में करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है किस पे होता है, और लोग गलती क्या करते हैं इंटरेस्ट का जो लेजर बनाते हैं वहां एक्टिवेट कर देते हैं। सर इंटरेस्ट के लेजर में नहीं करना है, लोन के लेजर में करना है, और वहां फिर पैरामीटर आपको सेट करना होता है, कौन सा क्या करना होगा सर, पैरामीटर। सर पैरामीटर मतलब सर क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, मंथली होगा कि ईयरली होगा, है ना, ये सारी चीजें आपको करना होता है। और फिर आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट्स में रिसीवेबल या पेबल में चेक कर सकते हो कि कितना इंटरेस्ट लेना है देना है, टैली बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, इंटरेस्ट की एंट्री आपको खुद करना पड़ेगा सर, एंट्री नहीं करेगा नो, क्योंकि कई बार हम इंटरेस्ट बोलते तो हैं लेकिन लेते नहीं, इसलिए एंट्री आपको खुद करना है, टैली आपको करके। फिर आता है सर इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, सेम है सर, इसके पहले वाले में एक सिंपल था किसी भी पर्सन पे इंटरेस्ट एक्टिवेट करो, यहाँ पे डेटर के केस में, किस में सर, डेटर कस्टमर पे हम लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पेबल है, लेकिन उसमें एक चीज और एड ऑन हुआ है सर, क्या एड ऑन हुआ है, विद एडवांस पैरामीटर।
तो पेबल तो सर समझ में आ जाता है हमको, इंटरेस्ट ऑन पेबल फंडिंग क्रिएटर्स के लेजर में एक्टिवेट कर देना है, लेकिन ये एडवांस पैरामीटर क्या है बताइए? एडवांस पैरामीटर सर, एडवांस पैरामीटर में दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। हाँ, पास ड्यू डेट सर, जैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि सर कंपनी क्या बोलती है या सिस्टम क्या होता है, भाई तेरा ड्यू डेट आज है, उसके बाद तू 10 दिन और ग्रेस पीरियड ले ले, 10 दिन तक अगर पेमेंट नहीं आया तो 11वें दिन से हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं पास्ट ड्यू डेट। तो वहां आपको सेट करना पड़ेगा पास्ट ड्यू डेट बाई 10 डेज। ये तो समझ में आ गया सर, बाद का समझ में आ गया, मतलब करेंट डेट या ड्यू डेट के बाद से लेना है तो पास्ट बाई ड्यू डेट, और मान लो ट्रांजेक्शन डेट से पहले इंटरेस्ट लेना है तो सर ऐसा कई बार होता है डील हो गया अपना, सामने वाला बोल दिया भैया पेमेंट अभी तुरंत करना पड़ेगा, अब जब हम ट्रांजेक्शन या गुड्स भेजेंगे तब से नहीं, आज हमारी डील डन हुई, आपको गुड्स अभी मंगाना है अभी मंगा लो, एक महीने बाद मंगाना है एक महीने बाद मंगा लो, लेकिन हम इंटरेस्ट कब से लेंगे, अगर आज ही पेमेंट करना होगा नहीं, आज से इंटरेस्ट लेना चालू। और मान लो मेरे गोडाउन में जगह नहीं है सर, हम गुड्स मंगा रहे हैं एक महीने बाद, तो सेल की एंट्री कब होगी, एक महीने बाद, लेकिन इंटरेस्ट उसे कब देना है, एक महीने पहले से। तो कौन सा सिस्टम जनरेट करेंगे सर? यस सर, इफेक्टिव डेट। क्या करेंगे? इफेक्टिव सर, उस वाउचर में इफेक्टिव डेट को एक्टिवेट कर देंगे। सर कैसे एक्टिवेट होता है? उस वाउचर में जाइए, जैसे परचेज या सेल्स वाउचर में जाइए और यूज इफेक्टिव, अल्टर करिए उस वाउचर को एंड यूज इफेक्टिव डेट फॉर दिस वाउचर को, यस कर दीजिए। और इंटरेस्ट पैरामीटर में सेलेक्ट कर लीजिए क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम इफेक्टिव डेट। तो मान लो हम जब एंट्री करेंगे सेल की या परचेज की, तो हम F2 करेंगे, उसमें दो डेट दिखेगा, ट्रांजेक्शन डेट रहेगा और इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट हम कौन सा डालेंगे, डील जिस दिन डन हुई है, मतलब एक महीने पहले की, और ट्रांजेक्शन डेट जिस डेट को सेल भी ला रहा है सर। तो इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट हो जाएगा सर? इफेक्टिव डेट मतलब एक महीने पहले से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा सर। ये आ जाता है आपका पेबल एंड एडवांस पैरामीटर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अरे सिंपल है, इतना डरना नहीं है भैया। कितने चैप्टर बचे अभी? बस दो और बचे हैं। अरे तो अरे दो ही तीन तो बचे हैं, रिदम रिदम बिगाड़ने से फिर रिदम बिगड़ जाए। तो बैंक रिकंसिलेशन, हाँ सर बैंक रिकंसिलेशन। अरे रुको, बोर्ड में ही 10 मिनट चला, उतने में तो खत्म। सर बैंक रिकंसिलेशन, सर बैंक रिकंसिलेशन किससे बनाया जाता है सर? सर हमारा एज पर टैली का बैंक बुक और स्टेटमेंट को मैच करने, आपको बताया था सर कैश जो होता है हमारे लिए सबसे प्यारा सेट है सर, विश्व का सबसे प्यारा सेट कैश, और सेकेंड बेस्ट सेट सर बैंक बैलेंस। तो कैश तो हमारे कंट्रोल में रहता है सर, हमारे अलमीरा में रहता है, हमें टेंशन नहीं है सर, हम उसको चार बार निहारते हैं गिनते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस सर थर्ड पार्टी के पास है, हमारा पैसा थर्ड पार्टी के। और आपने ऑटो पेमेंट सिस्टम कहीं कोई सॉफ्टवेयर या कोई किसी सब्सक्रिप्शन में कर रखा है सर, ये कट 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 रहा है, लेकिन आप चेक नहीं कर रहे हो तो आपको एहसास, इसलिए आपको प्रॉपर चेक करते रहना है, मैच करते रहना है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट मतलब हमारे टैली में जितना आपके टैली में दिख रहा है 10 लाख रुपए, और आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसका एनुअल पैकेज आपका मान लो 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और वो 50,000 हर साल क्या हो रहा है, कट रहा है, लेकिन आपके हिसाब से हमारा बैंक अकाउंट में 10 लाख है, इधर 10 साल पार हो गया 50-50 करती, आप गए कि यार चलो आज काम है 10 लाख निकाल लेते हैं, आप देखे तो 5 लाख पड़ा हुआ है, हालत खराब हो जाएगी, नहीं खराब हो जाएगा। और ऐसा सब्सक्रिप्शन कट रहा है जिसका आप यूज नहीं करते, जैसे एक बार कोई फेस्टिवल वेस्टिवल पड़ा था, मैंने नेटफ्लिक्स रिचार्ज कर लिया सर, ना जाने कैसे गलती से सर 199 या 149 में वो ऑटो पेमेंट क्या हो गया, मैं अभी तक समझ रहा हूँ कि 150-150 कुछ, जैसे मैसेज आता उतना ध्यान नहीं था कि कुछ कटा होगा, मतलब SMS चार्जेस फलाना ढिकाना, जब उसकी एंट्री टैली में मैं करने लगा तब देखा नेटफ्लिक्स, कितना दर्द होगा, मतलब नेटफ्लिक्स रिचार्ज हो रहा है उधर, लेकिन हम उसको यूज भी नहीं कर पाए और
और आजकल बड़ी विडंबनाएं है सर, ये आप जो सब्सक्रिप्शन करते हो ना, बाई डिफॉल्ट टिक हो जाता है किसमें, ऑटो पेमेंट। तो हमेशा अपना पेटीएम या गूगल पे में एक आता है ऑटो पेमेंट सेटिंग्स, उसको चेक करिए कहीं ऐसा कौन कौन सा पेमेंट में आपका ऑटो हो रखा है, उसको डीएक्टिवेट करिए, नहीं तो वो ऑटो की तरह से कटता चला जाएगा और आपको पता। तो सर हम लोग BRS बनाते हैं इन दोनों बुक को क्या करने के लिए, मैच करने के लिए, रिकनसाइल। आपको तीन रीजन्स हैं सर इन दोनों में डिफरेंस आने का, कितने रीजन है सर, तीन। पहला टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ये तो तीसरा है, दूसरा ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक बट अननोन बाय द अकाउंट होल्डर, और तीसरा रीजन एरर। तो टाइमिंग डिफरेंस मतलब सर हम जैसे ही चेक इशू करते हैं या चेक मिलता है, हम तुरंत टैली में एंट्री करते हैं, लेकिन बैंक तुरंत नहीं करता सर, बैंक जब चेक क्लियर हो जाता है राइट तब वो एंट्री करता है राइट, या हम किसी को इशू किए सामने वाला बैंक लेके जाके चेक दिखाएगा तब वो हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा, अदरवाइज नहीं करते। तीसरा रीजन है सर एरर, ये तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया, दूसरा हो गया ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक बट अननोन बाय द अकाउंट होल्डर, जस्ट लाइक बैंक इंटरेस्ट दे रहा है या ले रहा है, कुछ SMS चार्जेस एनुअल चार्जेस सब काट रहा है लेकिन अपने को पता नहीं चलता। थर्ड नंबर इज एरर, बैंक के द्वारा भी हो सकता है या हमारे द्वारा। तो इसमें तीन में से दो रीजन जो है वो हमारे कंट्रोल में है सर, कौन से, और एरर, दो को गए तीन को। कौन सी मूवी थी वो, दृश्यम, तो दूसरा और तीसरा। सर दूसरा क्या सर, ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक बट अननोन बाय द अकाउंट होल्डर, सर हमें जानकारी नहीं थी, जब स्टेटमेंट लेके आए जानकारी हुई, एंट्री कर ली, हम दोनों लोगों का मैच हो गया। एरर सर पता चला हमसे गलती हुई, हमने सही कर लिया, बैंक से गलती हुई, तो बैंक से गलती होती नहीं होती सर, होता है सर, ATM से स्क्रैच किए पैसा कट गया लेकिन पैसा का दर्शन नहीं हुआ सर, ये किसकी गलती है सर। फिर वहां एप्लीकेशन देके जाओ, जब आप जाते हो कि सर ये पैसा कट गया लेकिन ATM से दर्शन नहीं हुआ, तो क्या बोलता है बैंक मैनेजर कि ठीक है आप जो स्लिप होगा उसका या और एक एप्लीकेशन साथ जमा कर दीजिए फिर हम राइट। लेकिन आदमी फंस जाता है सर, कई बार हो जाता है सर, अकाउंट में 500 रुपये था, पेट्रोल डलवाना था, गाड़ी रुकी है, ATM गए, कट गया लेकिन पैसा दर्शन नहीं हुआ, खत्म हो गया सर। तो एरर होगा तो हम उसको सही कर लेंगे सर, अननोन होगा ट्रांजेक्शन उसको सही कर लेंगे, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस सर हमारे कंट्रोल में, अगर ये कंट्रोल में होता तो BRS बोल के जन्म नहीं होता सर, BRS का टेंशन ही नहीं होता। तो टाइमिंग डिफरेंस ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बैंक से बोल नहीं सकते कि सर हमको एक बंदे ने, हमने एक बंदे को चेक दिया 1 लाख का, हमने टैली में डेबिट कर लिया है, वो आएगा सर आपके पास, अभी BRS बनाने जा रहे हैं, आप हमारे अकाउंट से पैसा काट लो, वो काट लेगा सर, या आप बोल दो सर हमने चेक इशू दिया है, जो चेक दिया ना बड़ा मालदार पार्टी है सर, अकाउंट बाउंस नहीं होगा, पैसा आ जाएगा, आज क्रेडिट कर दो हमको BRS बनाना, क्रेडिट कर देगा सर, नो सर, वो उसका जो सिस्टम है उसी सिस्टम से काम। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है सर, इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट हमें बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले लिख देते, अच्छा पहले BRS बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे सर, मैच करते हैं दोनों को, मैच करने के बाद पहले ये फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी एंट्री मिस मैच है, कौन कौन सी एंट्री मिस मैच है, उसको फाइंड आउट करते हैं, वो एंट्री या तो ऐड होगा या लेस। अच्छा जितने मैच मिस मैच है उसमें अगर ये रीजन नंबर 2 है एंड 3 है उसको टैली में एंट्री करके उस मिस मैच को मैच कर देंगे, लेकिन जो रीजन नंबर 1 है उसको या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। और ऐड और लेस करने का सिंपल सिस्टम है सर, कैशबुक से आप स्टार्ट करिए, राइट हैंड साइड इज योर कैश बुक, ट्रांजेक्शन की वजह से ये भी अप डाउन हो सकता है और ये भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऐड और लेस के टाइम में इसको क्या हो जाता है सर, पैरालिसिस, ये अप डाउन नहीं हो सकता, तो उस केसेस में क्या करना होगा सर, इसको अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये अगर अप हो रहा है ठीक है, इसको अगर अप करना पड़ रहा है तो सर जैसे मान लो ये बढ़ गया, अब इसको अप करना पड़ रहा है मतलब ऐड, और ये डाउन करना है, डाउन करना पड़ रहा है तो लेस करना है सर, ऐड लेस करके हम BRS बना लेंगे सर, सिंपल सा है। बस OD के केस में थोड़ा सा केस रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है सर, रिवर्स OD केस में क्या हो जाता है सर, उल्टा सोचना है, मतलब कि अगर ये पैसा हम किसी को दे रहे हैं
तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा नहीं, लोन बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा डीजे नारायण बताओ, मतलब एक्चुअल में ना आज से पित्र लग चुका है सर, कल से इस कल विसर्जन सर, पितर पर विसर्जन नहीं होना चाहिए सर, इसीलिए हम लोगों ने पहले किया, जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने पहले किया सर, विसर्जन नहीं करना चाहिए सर। लेकिन ये लोग क्यों कर रहे हैं आपको पता है क्या? इन लोगों को पता नहीं है विसर्जन पित्र लगे? पता है सर, लेकिन उस दिन हाँ ये लोग, अच्छा ये मस्ती वाला विसर्जन होगा। ओ नहीं वो ठीक है, लेकिन इसका सिस्टम है। अरे ऐसा नहीं कि हिला दिया आप तो, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे इन लोग को चाहिए कि ये लोग को विसर्जन सर पितर पक्ष लगने के पहले, लेकिन सर चूंकि डीजे मिला नहीं सर, डीजे बुक था तो इंजॉयमेंट हुआ नहीं, तो आज ये लोग सर वो वाले। ओह माय गॉड, मैं सुंदरनगर में रहता हूँ, सुंदरनगर कॉलोनी में, समझ में आया? वहां पे एक पंडाल लगा हुआ था सुंदरनगर कॉलोनी में, तो शाम को मैं पंडाल देख के लौट रहा था, तो हमारे घर के बगल में एक मूर्ति लगी हुई थी गणेश जी की, वहां पे कुछ लेडीज लोग डांस कर रहे थे। अब मुझे क्या होता है ना, जब से भक्ति गाने पे डांस वांस कहीं रहता है या कुछ होता है तो मुझे वो बहुत अच्छा फील होता, तो मैंने रुका, मैं और ज्योति ने रुका, आरू था, हमने बोला आरू तुम डांस करो। मुझे कुछ देर बाद पता चला यहाँ भक्ति ने बॉलीवुड पे डांस हो रहा है, मतलब मेरी तब मैं फिर जब फील किया, अरे ये तो फिर फिल्मी सॉन्ग पे चल रहा है, मतलब चलो भैया हो गया देख ले रहा। और कोई 20, 21, 22 साल की नहीं, आंटी लोग 35, 40 एंजॉय, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे। कौन सा एक गाना था, मटक के चलूंगी, ऐसे कौन सा गाना, जब कौन सा है हा? कौन सा क्या बोले उसका? हाँ 52 गज का आगे, हाँ ऐसा समथिंग होता, जब वो गाना पे मतलब ऐसा तो ये तो मतलब तो कोई डिवोशनल सॉन्ग तो चल नहीं रहा है, सुना फिर मतलब वो माय गॉड। तो गणेश जी के सामने 52 गज का, अरे क्या अरे नहीं गर्मी लग रहा था सर, ठंडक होने सर। ये लास्ट है क्या सर? चेक प्रिंटिंग एंड पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन सर। सर चेक प्रिंटिंग सिंपल क्या करना है सर? सर फीचर्स में ना चेक प्रिंटिंग ऑप्शन क्या करना होता है राइट? ये बैंक का जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे इनेबल चेक प्रिंटिंग यस, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये आपको एक एक चीज भरने की जरूरत नहीं है, क्या करना है सिंपल कॉपी फ्रॉम कर लेना है, ठीक है? तो कॉपी फ्रॉम कर लेंगे तो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली फिड हो जाएगा, ये सारे फिल्ड फिर आप प्रीव्यू देख सकते हो, जिसमें ये एक बाई डिफॉल्ट, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बाई डिफॉल्ट एक प्रीव्यू दिखेगा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप सेट कर सकते हो चेक प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग द वाउचर, तो जैसे ही आप सेव करोगे चेक प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से सेल बिल में भी कर सकते हो चेक प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग द वाउचर, तो जैसे ही सेल एंट्री आप क्लिक करोगे, जैसे आप मॉल में देखते हो जैसे ही सेल एंट्री करता है खिंच खिंच करके प्रिंट निकल जाता है राइट, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होना चालू हो जाता है सर। और एक इसमें दो एक चीज और है सर, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन क्या है सर? पोस्ट डेटेड सिंपली क्या है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब सर पीडीसी हमने किसी और को दे रखा है आगे की डेट का चेक दे रखा है राइट, उसका यूज भी बताया था क्यों लोग देते लेते हैं, पीडीसी का रखा था, तो वो आपको कंट्रोल टी से मार्क कर देना है, क्या कर देना है सर? एंट्री करिए कंट्रोल टी से मार्क कर दीजिए, तो वो पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है सर, ठीक? बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वॉल्यूम 3, 1 एंड 3 को कंप्लीट किया। नहीं नहीं हाँ 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 हाँ